बालों का झड़ना एक आम बीमारी है, और बीमारी भी क्या, हम ये कह सकते हैं कि अगर आपके 50 से 100 बाल डेली झड़ते हैं, जिसका हमें पता भी नहीं चलता, क्योंकि हमारे सिर के ऊपर तकरीबन 5 मिलियन बाल होते हैं, अगर उसमें से 50-100 झड़ भी जाएं डेली, तो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि इतने ही बाल आपके डेली उगते भी हैं। लेकिन जब वो उनकी गिनती 200 से 250 पहुंच जाती है, तब वो बाल झड़ना उसको बोलते हैं, और वो फिर धीरे धीरे कम होते जाते हैं। बालों के झड़ने से कोई गंभीर समस्या नहीं है, लेकिन इससे क्या है, आदमी अपनी उम्र से बड़ा दिखता है, जिससे कि मतलब 40 की एज में वो 60 का लगता है, तो वो पर्सनैलिटी ठीक नहीं लगती। इसके पीछे अपना खान पान या दिनचर्या, या फिर ये कह सकते हैं जो ज़्यादा मिर्च मसाले या नशा वगैरह ज़्यादा करते हैं, जी उनमें बाल झड़ने की समस्या ज़्यादा होती है। अगर हम शाकाहारी भोजन और दालों का, हरी सब्जियों का सेवन करते हैं, पत्तेदार सब्जियों का सेवन करते हैं, तो बालों की झड़ने की समस्या कम होती है। हार्मोन से भी कंसर्न होता है इसका, हार्मोन्स भी होते हैं जिसकी वजह से बाल झड़ते हैं। ये आदमियों में 30 से ऊपर की उम्र में झड़ने शुरू हो जाते हैं, जबकि औरतों में ये समस्या मीनोपॉज स्टेज के बाद, यानी 45 से 50 उम्र के बाद शुरू होती है। ओल्ड एज में बाल तकरीबन सभी के झड़ते हैं, लेकिन उसमें वो झड़ते क्या हैं, वो पतले और छिद्रे हो जाते हैं, जिससे कि वो बाल कम हो जाते हैं लेकिन ख़त्म नहीं होते। लेकिन जो बिल्कुल ख़त्म होते हैं, वो बाल झड़ने की समस्या से ही ख़त्म होते हैं। कईयों के माथे से झड़ते हैं, या कईयों के टाट से बीच में जो गंज पड़ जाता है, ये कई बार ना हेरिडिटरी भी होता है, यानी पेरेंट्स से पहले पेरेंट्स को ये प्रॉब्लम हो तो ये हो जाती है। उसका कोई रेगुलर ट्रीटमेंट भी नहीं है जो हेरिडिटरी प्रॉब्लम है, जी लेकिन अगर आपके वैसे बाल झड़ते हैं तो उसका इलाज आयुर्वेदिक दवाइयों से और तेल से हम करते थे। बालों में समस्याएं जो है, बालों का झड़ना, बालों का पकना यानी सफ़ेद होना, और एक तीसरी समस्या है बालों के लिए डैंड्रफ, जो कि आम समस्या है आज के दिन। इससे डैंड्रफ से क्या होता है कि शरीर की स्काल्प पे एक पपड़ी जम जाती है सफ़ेद कलर की, वो शरीर के पोषण को या जो हम तेल वगैरह लगाते हैं उसको अंदर तक जाने नहीं देती, जिसकी वजह से वो बाल उम्र से पहले, या ये कह सकते हैं बचपन में ही सफ़ेद होने शुरू हो जाते हैं। तो उसको बालों का पकना या बालों का सफ़ेद होना हम लोग कह सकते हैं। और बालों का झड़ना, बालों का सफ़ेद होना और डैंड्रफ, ये तीन समस्याएं ऐसी हैं जो बालों की होती हैं, और इनका इलाज दवाइयों से, हम बड़े तजर्बे से, ये हमारा एक्सपीरियंस रहा है कि बिल्कुल ठीक हो जाते हैं। नहाते समय साबुन डेली नहीं लगाना चाहिए। दूसरा, बालों को पोषण देने के लिए तेल का इस्तेमाल करना चाहिए। तीसरा, अपने खान पान में और दिनचर्या में सुधार करना चाहिए।